can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए यार काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं, टोयोटा करोला एल्टिस 1.6 एसआर, जो कि 2013 मॉडल है। 1500 सीसी गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है वाइट कलर के अंदर, बम्पर टू बम्पर इंटीक की इस गाड़ी है। अगर गाड़ी की लोकेशन वाइज बात की जाए तो आपको मलकंड शोरूम कार जिप जोन के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल गाड़ी मिल जाएगी। इनके पास अभी बहुत सारी गाड़ियां स्टॉक खड़ी हुई हैं, जिसमें आप लोगों को इंडिस करोला 1988 से, करोला जेलाई 2003-4-5 मॉडल के ऊपर आपको 2022 मॉडल भी, जैपनीज मॉडल भी गाड़ियाँ मिलेंगी। तो अभी आप लोगों के सामने जो है 2013 मॉडल एसआर, और अभी इंशाल्लाह इस गाड़ी का डिटेल वाइज रिव्यू करते हैं। लोअर की रजिस्टर्ड है और एंटीक पीस गाड़ी है। तो अभी फ्रंट अगर इसकी बात करें वेरियंट की, तो ये आप लोगों को सेकेंड वेरियंट, बट ये आपको चौथा फोर्थ वेरियंट मिल जाता है। जो फर्स्ट वेरियंट था वो था आप लोगों को एक्सएलआई, इसके ऊपर सेकेंड आप लोगों को जीएलआई वेरियंट, फिर आप लोगों को 2D वेरियंट, फिर आप लोगों को अल्टेक्स मिल जाती है, जो कि आप लोगों को सादा मिलती है, एक आपको मिल जाती है जो कि अभी आप लोगों के सामने अल्टेक्स एसआर, जो कि आप लोगों को फुल ऑप्शन गाड़ी मिलती है, जिसके अंदर एयरबैग, सनरूफ, पावर विंडो, एबीएस और डिफरेंट ऑप्शन आप लोगों को, रिट्रैक्टेबल मिरर, फॉग लाइट्स और डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो रिव्यू के जाने चलते हैं, देखते हैं इसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गाड़ी का किस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए, तो ये आप लोगों को इसकी जो प्रोफाइल है आप लोगों को 2009 से इसकी प्रोफाइल शुरू हो जाती है और 2014 तक आप लोगों की इसकी प्रोफाइल मिलती है। सुपर में आप लोगों को 2015 में शेप आप लोगों को गाड़ी की चेंज मिल जाती है। तो अभी आप लोगों को इसकी कुछ फ्रंट प्रोफाइल इस तरह की देखने को मिलेगी। फ्रंट बॉनेट की बात करें तो बॉनेट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन, दोनों तरफ आप लोगों को कर्व्स मिल जाते हैं। फ्रंट के ऊपर जो इसकी ग्रिल है आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक वाइट कलर की मिलती है, और बम्पर के साथ आप लोगों को अटैच मिलती है। अगर फर्ज करें, अगर आप अगर मतलब गाड़ी लेते हैं और अगर गाड़ी का बम्पर चेंज करवाते हैं या टूट जाता है, तो आप लोगों को पूरे का पूरा क्रिल समेत आपको बम्पर चेंज करवाना पड़ेगा। ये नहीं होता कि जिस तरह और गाड़ियों का ग्रिल अलग से होती है, बम्पर अलग से होता है, वो सीन इसके अंदर नहीं है। जस्ट आप लोगों को पूरी की पूरी प्रोफाइल चेंज करवानी पड़ती है। बात करें नीचे फॉग लाइट्स की, तो आप लोगों की इसकी फॉग लाइट्स मिलती हैं, जो कि जस्ट जीएलआई और आपको अल्टस के अंदर ही मिलती हैं। इसके जो साइडा कवर है और उस फ्रंट के ऊपर आपको क्रोम की गोल एक रिंग मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों को एक येलो एंगल के अंदर आप लोगों को इसकी लाइट्स मिल जाती है। नीचे फ्रंट के ऊपर आप लोगों को ब्लैक कलर की ग्रिल मिल जाती है। हेडलाइट्स की बात करें तो आप लोगों को ग्लासनुमा हेडलाइट्स है, जिसके अंदर लोअर बीम का बल्ब एंड इंडिकेटर दिया जाता है। गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन की बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्क्रीन है। साइड में रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं और बैक साइड का जो कवर इनका आता हुआ आता हार्ड प्लास्टिक का, और बॉडी कलर जो भी हो उसी तरह बिल्कुल सेम मिलेगा। और जो फ्रंट प्रोफाइल है जस्ट टोटल आप लोगों को ब्लैक कलर की मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को इंडिकेटर दिए जाते हैं। फ्रंट के ऊपर रूफ की बात करें तो रूफ के अंदर आप लोगों को सनरूफ भी मिल जाता है, जो कि आप अंदर से उन्हें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आप ब्लैक पेपर या इस तरह का सीन लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। बात करें गाड़ी की लेफ्ट साइड की फिंडर की, तो फिंडर आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है और इसके ऊपर कोई स्क्रेचेस नहीं। यही समझ लें कि आप लोगों को ब्रांड न्यू गाड़ी मिलती है। विंडोज के जो पैनल्स हैं वो आप लोगों को इसके मिल जाते हैं ब्लैक कलर, और इसके अंदर आपको पियानो ब्लैक मिलता है, ठीक है। और इसकी जो साइड में गोले हैं आप लोगों को क्रोम के मिलते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जितने भी जीएलआई एक्सएलआई वेरियंट है इनके गोलों आ जाते हैं ब्लैक कलर में, लेकिन इनके अगर इनकी जो ऊपर मतलब वार्प लगी होती है अगर वो उतारे तो आप लोगों को नीचे से क्रोम मिलते हैं। तो ये भी अगर आप क्रोम करना चाहें तो आपको ऑफ नंबर की लगवाना नहीं पड़ेगा, जस्ट इसके ऊपर से आप हीट गन से आप लगाएंगे तो पूरी की पूरी इसकी जो ब्लैक ऊपर मतलब पेपर लगा था वो उतर जाता है। विंडो हेडर्स की बात करें तो आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक वाइट एंगल के मिलते हैं, मिडम में गोले मिल जाते हैं, और नीचे अगर बात करें गाड़ी के फिन बोर्ड की, तो आप लोगों को इसका हार्ड प्लास्टिक का फिन बोर्ड मिलता है, और ये आप ये भी समझ लें कि एक बॉडी किट भी है, लेकिन ये इसका ओरिजिनल आया है। और ये आगे गाड़ी की कोच लेफ्ट साइड की प्रोफाइल।
बात करें गाड़ी की राइट साइड की प्रोफाइल की, तो गाड़ी की राइट साइड की प्रोफाइल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जस्ट आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, फिर आप कहते हैं कि फाक भी आप वीडियोज में एक साइड दिखाते हैं, एक चीज नहीं दिखाते। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को चारों तरफ से एंगल दिखाऊंगा गाड़ी का। और गाड़ी अगर आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों को गाड़ी की पूरी प्रोफाइल वीडियो में नजर आ जाएगी, गाड़ी किस कंडीशन की है और उसके ऊपर कोई स्क्रैचेज या कोई इस तरह का डंट तो नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन ओरिजिनल आप लोगों को पेंट के अंदर आप लोगों को गाड़ी मिलती है बम्पर टू बम्पर। अब बात करें गाड़ी की दूर से लुक की, तो गाड़ी की माशा लुक काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बात करें गाड़ी की अलाइज की, जिसके आप लोगों को अल्टस के एस आर की ओरिजिनल अलाइज हैं और ये एक किस्म का ब्रांड अलाइज है, मतलब ये आपको इस तरह के रिम्स जस्ट अल्टस के अंदर ही मिलेंगे। जस GLI हो, सॉरी GLI की बात करें, जस 2013 या 14 जितने भी मॉडल के अल्टस हों उसके अंदर आप लोगों को इस तरह के रिम्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 5 नट मिल जाते हैं। दूसरा आप लोगों को दोनों अंदर फ्रंट और बैक साइड के ऊपर आप लोगों को दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, ABS आप लोगों को मिल जाता है। गाड़ी की अगर बात करें इसके अंदर आप लोगों को 15 के टायर्स मिल जाते हैं। गाड़ी की अगर हाइट के हिसाब से बात करें तो गाड़ी ओरिजिनल स्टॉक हालत में है, तो गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी अप भी नहीं इतनी डाउन भी नहीं है, बिल्कुल स्टॉक हालत में काफ़ी नाइस है। गाड़ी की अगर बैक साइड की फिंडर की बात करें तो गाड़ी के बैक साइड के फिंडर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और ये आगे गाड़ी की बैक साइड की प्रोफाइल, यहाँ पर आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ट्रंक की बात कर लेते हैं, ट्रंक इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मिड में टोटा की बैजें नीचे इसका भी पेपर लगा रखा है ताकि इसके जो लोगों से वो ख़राब ना हो। और ऊपर आप लोगों को इसका नीचे ऑटोमेटिक का आप लोगों को मिल जाता है ऑप्शन, ऊपर आप लोगों को अल्ट्रा SR का ऑप्शन मिल जाता है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को इसका कैमरा मिल जाता है रिवर्स कैमरा। ट्रंक के अंदर आप लोगों को इसकी मिल जाती है रिवर्स लाइट, और इसके अंदर फिंडर के अंदर आप लोगों को इंडिकेटर एंड ब्रेक लाइट LED वाली मिल जाती है। नीचे बम्पर की बात करें तो बम्पर के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कर्व्स मिलते हैं, जिस तरह फर्ज करें नीचे लाइट के साइड में आप लोगों को कर्व्स मिलेंगे, मिडम में आप लोगों को इसके कर्व्स मिल जाएंगे, बम्पर के कोनों के ऊपर साइड जो है उसके ऊपर आप लोगों को कर्व्स मिल जाते हैं। तो उस तरह के अंदर आपको काफी ज्यादा कर्व्स फ्रंट और बैक साइड के ऊपर देखने को मिलते हैं। बात करें गाड़ी की बैक साइड की स्क्रीन की, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और बैक साइड के ऊपर आप लोगों की ब्रेक लाइट LED दी जाती है, और नीचे इसके ओरिजिनल वाइड एंगल के हम लोगों को इसके मिल जाते हैं चिकन मेयर्स जिसे हम कहते हैं। बात करें गाड़ी की लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की, तो फ्यूल टैंक स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है 45 लीटर का फ्यूल टैंक स्टोरेज। और गाड़ी की एवरेज के हिसाब से बात करें तो आप लोगों को ये विद सिटी देगी 13 से 14 किलोमीटर, और आपको लॉन्ग के ऊपर, क्योंकि ये जितना बड़ा इंजन होगा उतनी ज़्यादा एवरेज होगी अगर गाड़ी ओरिजिनल हालत में हो। तो अभी जिस तरह ये ब्रांड न्यू गाड़ी थी, ये आप लोगों को 16 से 17 एवरेज आप लोगों को लॉन्ग के ऊपर देगी। गाड़ी की पूरी प्रोफाइल माशाल्लाह काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर के इंटीरियर की, तो इनका इंटीरियर माशाल्लाह काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है। पहले स्टेयरिंग की बात कर लेते हैं, स्टेयरिंग माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, दोनों तरफ आप लोगों को कुछ क्रोम की मतलब ट्रिमिंग मिल जाती है, मिडम में टोयोटा की एयरबैग्स का ऑप्शन आप लोगों को मौजूद है। यहाँ पर स्पीडोमीटर की बात करें तो आप लोगों को 22,898 किलोमीटर ओरिजिनल चली मिल जाती है, और इसके अंदर भी 2-tone कलर है, एक ब्लैक एंड वाइट कलर के अंदर आप लोगों को इसका स्पीडोमीटर मिलता है डिजिटल, इसके अंदर डिजिटल भी है, ऊपर लाइट्स भी LED दी गई हैं। दोनों तरफ फ्यूल गेजेस एंड पेट्रोल गेजेस मिलती हैं, RPM मीटर स्पीडोमीटर एंड मतलब आपको डिजिट्स मतलब में मिल जाते हैं। बात करें गाड़ी की पूरी डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड आप लोगों को 2-tone कलर के अंदर मिलता है, ऊपर आप लोगों को हल्का ग्रे, नीचे आपको क्रीमी कलर का मिल जाता है, मिडम में LED मिल जाती है, ऊपर डबल इंडिकेटर का बटन है, AC के मैनुअली हैंडल्स हैं, और आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिलती है, पूरा एक कंसोल मिल जाता है काफ़ी ज़बरदस्त सा। यार एकदम मतलब अलग से खांसी आना शुरू हो गई है। वैसे इसके कंसोल की पूरी बात करें तो साइडों में आप लोगों को इसकी क्रोम की कुछ मिल जाती है ट्रिमिंग। बात करें गाड़ी के गत्ते की, तो आप लोगों को इसके अंदर दोनों तरफ बल्कि चारों विंडोज के अंदर स्पीकर्स मिलते हैं, फ्रंट के ऊपर आपको बैक साइड ऊपर आपको 4 ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, पावर बटन मिल जाते हैं, फ्रंट ऑटो 3 मैनुअल हैं, और 2-tone कलर के अंदर आप लोगों को इसका विंडोज का भी मिल जाता है। नीचे इसकी ओरिजिनल आप लोगों को इसकी कार्डबेट भी मिल जाती है। गाड़ी की अगर रूफ की बात करें तो रूफ के अंदर भी आप लोगों को इसका काफी ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। यार एकदम से मतलब अब या तो वीडियो को मतलब स्टॉप कर दूं या फिर वीडियो को पूरा का पूरा करूं। एनीवे मिडम में बात करें तो आप लोगों की इसकी LED लाइट्स मिलती है काफी एक मतलब लंबी शेप में मिल जाती हैं, और दोनों तरफ आप लोगों को सनशाइन मिल जाते हैं। मिडम में आप लोगों को इसका पूरा एक बड़ा इसको मिल जाता है सनरूफ,
और मिडल में लाइट्स एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका रूफ आ गया, फ्रंट सीट आ गए, इसके हेड रेस्ट आ गए और इसकी जो सीट्स हैं वे काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन और काफ़ी कम्फर्टेबल गाड़ी है माशाल्लाह। अब बात करते हैं गाड़ी की बैक साइड की सीट्स की, तो आप लोगों को फ्लैट सीट मिलती है, मिडल में आर्मरेस्ट मिल जाता है, दो सीट बेल्ट बैक साइड के ऊपर मिल जाते हैं और बैक साइड का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इन मॉडल्स की स्पेस 2013, 4, 5, 6, 7 मॉडल जितने भी हैं उनके बने इन मॉडल्स की जो शेप है अंदर की स्पेस है और शेप वाइज काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह। गाड़ी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन। ये आगे इसका ट्रंक, ट्रंक देखे जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन, माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब बात करते हैं इसके जो इसके एक्स्ट्रा व्हील आप लोगों को टायर मिल जाता है, ब्रांड न्यू है और माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। अगर गाड़ी की स्टोरेज के हवाले से बात करें तो गाड़ी के अंदर स्टोरेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है और इसके अंदर आप चार बड़े मतलब इजीली बैग रख सकते हैं माशाल्लाह। ये आगे इसकी कीज़ आ गई, साथ में आप लोगों को ओरिजिनल आप लोगों को मैनुअली जो भी इसका मतलब वॉचर और फाइल वगैरह होती हैं वो आप लोगों के इसके अंदर मिल जाती हैं। और ये आ गया इसका फ्रंट इंजन और फ्रंट बानेट की बात करें तो माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, ब्रांड न्यू, कोई स्क्रैचेस नहीं है माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं आपको जस्ट जूम करके दिखा देता हूँ, ज़रा भी आप लोगों को स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये आ गया इसका 1. आप लोगों को 1598 सीसी आता है कुछ, आप लोगों को इसके अंदर इंजन मिल जाता है और माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, माशाल्लाह गाड़ी नीट एंड क्लीन, ब्रांड न्यू गाड़ी आप लोगों को मिलती है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी माशाल्लाह। ये आगे इसके नीचे मेड्स और उसके ऊपर आपको अल्टस के ओरिजिनल इसके मिल जाते हैं कवर्स जो कि कंपनी से आया करते थे, तो ये देख लें। ये आगे इसके पेडल्स और ये गाड़ी का कुछ था इंटीरियर और ये आगे इसके टायर, आप उसके मिचलन के आप लोगों से इसके 15 के टायर्स मिलते हैं ब्रांड न्यू, इसके अलॉयज आ गए और ये आगे इसका गियर नॉब, यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन में ठीक है, ड्राइव के ऊपर भी, लो के ऊपर भी और रिवर्स मैनुअल ड्राइव फ्लां 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 ठीक है। और ये आगे इसके कीलेस, यहाँ पर आपको साइड मिरर कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर हैं तो यहाँ पर इनका फोल्ड का आपको बटन भी मिल जाता है, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है, इसके अंदर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल भी मिलता है ठीक है। यहाँ पर ये आगे उसकी लाइट्स की और स्टेयरिंग के अंदर नीचे आप लोगों को इसका क्रूज कंट्रोल, आप अपनी मर्जी से गाड़ी की स्पीड वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हैं माशाल्लाह। गाड़ी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो उम्मीद है कि आपको गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो ये था आज का रिव्यू, मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस तरह की गाड़ियों का रिव्यूज़ चाहते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को हर किस्म की गाड़ियों का रिव्यू मिलता रहेगा। अगर आप जैपनीज मॉडल का चाहते हैं तो इंशाल्लाह जैपनीज मॉडल का, एक भाई मेरा कह रहा था यार कि बंगिश मोटर्स की आप लोगों ने रिव्यू नहीं किया, तो इंशाल्लाह उनका भी जल्द अज जल्द इंशाल्लाह गाड़ियों के रिव्यू इंशाल्लाह आएंगे। गाड़ियाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं लेकिन टाइम भी नहीं है और दूसरा कुछ में काम में भी बिजी हूँ, तो अभी जस्ट ये गाड़ी आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन गाड़ी है, अमेजिंग गाड़ी है माशाल्लाह। तो मिलते हैं जी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज चलते नहीं, अपने भाई को दीजिए सलाम, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।